हेलो, मैं प्रियांशु सिंह और हमारे चैनल हिंदुस्तानी 360 में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं लेटेस्ट मोबाइल फोन्स जो 10 से 15,000 के बीच में कौन से बेस्ट हैं और कौन से लेटेस्ट चिप के साथ आते हैं, आइए हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ठीक है, मैंने कुछ लिस्ट बनाई हुई है, उस लिस्ट से मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा। तो पहले नंबर पे आता है मोटो G5S+। ठीक है, मोटो G5S+ आता है, MI A1 आता है और आता है Xiaomi Redmi Note 4। ठीक है, ये तीन आते हैं। मैं तीनों का नाम एक साथ क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि तीनों में 625 स्नैपड्रैगन 625 आते हैं जो कॉर्टेक्स A53 पे बेस्ड है, जो 14 नैनोमीटर है। ठीक है, इसमें अंतर क्या है, देखिए इन तीनों में अगर मुझे बेस्ट पूछेंगे बेस्ट कौन सा है, तो ठीक है मैं पहले आपको बता दूं, मैं MI A1 बोलूंगा, बट किस बेस पे मैं बोलूंगा। देखिए मोटो G5S+ जो है वो भी स्टॉक देता है, बट अगर आप कैमरा क्वालिटी में जाते हैं तो 12 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल डुअल कैमरा है। ठीक है, और फ्रंट जो है 8 मेगापिक्सल है। और अगर आप मुझे पूछते हैं तो मैं बोलूंगा कि देखिए 12 मेगापिक्सल जो मोटो का है वो नॉर्मल है, और जो सेकेंडरी कैमरा है वो मोनोक्रोम है। ठीक है, और जो इसकी पिक्चर क्वालिटी है काफी अच्छी आती है। ठीक है, अगर मैं नोट 4 से कंपैरिजन करूं तो उसकी कंपैरिजन बहुत ही अच्छी आती है, बट अगर मैं MI A1 से कंपैरिजन करता हूं तो जो उसकी लेंस की क्वालिटी है वो G5S+ से अच्छी है। नाइट में फोटोशूट करने में आपको काफी आराम होता है, काफी अच्छी क्लैरिटी आती है। ठीक है, और नोट 4 की मैं बात करूं तो उसकी कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, एवरेज कह सकते हैं, एवरेज है। तो परफॉर्मेंस में आते हैं, परफॉर्मेंस में देखिए, परफॉर्मेंस में भी मैं A1 को पिक करूंगा। ठीक है, परफॉर्मेंस में मैं A1 को इसलिए पिक करूंगा क्योंकि इसमें जो स्टॉक एंड्रॉइड दी गई है और जो इसकी कैमरा की क्वालिटी है वो है आपका 12 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल। जो 12 मेगापिक्सल सेकेंडरी कैमरा है वो आपको डिजिटल 2x जूम के लिए दिया गया है। ठीक है, आप बिना क्वालिटी गिरे आप 2x जूमिंग कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें आपको जो इस तीनों में आप चेक करेंगे तो जो स्पीड और फ्लुएंसी पाएंगे आप MI A1 में ज्यादा अच्छा पाएंगे। ठीक है, और अब मैं बात करता हूँ चौथे नंबर की, जो आता है Tenor G। ठीक है, अगर आप 11,000 रुपए आप लगाते हैं, ठीक है, तो इससे बेस्ट डील आपको नहीं मिल सकता है। ठीक है, Tenor G में आपको आता है स्नैपड्रैगन 626 जो ये भी कॉर्टेक्स A53 पे बेस्ड है, बट ये 625 से अच्छा है। ठीक है, 10% ज्यादा, ठीक है, आपको स्पीड और परफॉर्मेंस मिलेगी 625 के मुकाबले, ऐसा स्नैपड्रैगन ने कहा है। तो अगर आपको 11,000 में मिल जाता है 626, ठीक है, जो कि सेम बेस्ड है एड्रीनो 505 पे, सारे 625 भी उसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो आप 12-14,000 लगाने जाते हैं, बट कैमरा की क्वालिटी में आप अंतर पाएंगे। तो इसमें अंतर क्या है, देखिए Tenor G जो है, जो इसकी कैमरा क्वालिटी है 13 मेगापिक्सल का जो नॉर्मल रेयर कैमरा है, और जो सेकेंडरी 13 मेगापिक्सल कैमरा है वो मोनोक्रोम और RGB है। ठीक है, तो नाइट फोटोशूट में आपको आराम रहेगा, बट इसकी जो लेंस की क्वालिटी है अगर मैं MI A1 से कंपेयर करता हूं तो उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, एवरेज 11,000 रुपए में आपको इससे अच्छा कैमरा नहीं मिल सकता है। Xiaomi Redmi Note 4 से काफी अच्छा है ये। ठीक है, और प्रोसेसर भी इसमें, हाँ मैं मानता हूँ प्रोसेसर उन सबों से अच्छा इसमें है Tenor G में, क्योंकि इसमें स्नैपड्रैगन 626 दिया गया है। और अब मैं बात करता हूँ Honor 8 की, मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 2016 का सेट है। ठीक है, मैं इसलिए इसकी बात कर रहा हूँ क्योंकि जो इसकी प्राइस थी वो 20 से 22,000 थी, बस करंटली इसकी प्राइस जो कल मैंने देखा जो फेस्टिवल सेल चल रहा है अमेजोन पे, इसकी प्राइस कट होकर जो 15,000 रुपए आ गई है, इसलिए मैं इसको इंक्लूड किया हूँ। ठीक है, क्योंकि इससे बेस्ट कैमरा क्वालिटी आपको किसी में नहीं मिलेगा। ठीक है, जो Honor 8 की है, मैं इसे बता दूं आपको iPhone 7 से अच्छी कैमरा क्वालिटी मिलेगी, और प्रोसेसर जो है आपको 20,000 तक में ऐसी प्रोसेसर आपको नहीं मिलेगी, जो आपको स्नैपड्रैगन 820 से 821 तक की परफॉर्मेंस आपको मिलती है। जो इसका वर्जन है Kirin 950, ठीक है, जो काफी बेहतरीन है, मल्टी कोर परफॉर्मेंस 5500 से 5300 तक है और सिंगल कोर में 1700 तक है इसका बेंचमार्क जो है, जो काफी बेहतरीन है। ठीक है, आप मल्टीटास्किंग, हैवी टास्किंग कुछ भी आप इजीली कर सकते हैं, वेरी स्मूथ है। OnePlus 3T के साथ आप इसका कंपैरिजन भी देख सकते हैं यूट्यूब पे, उसको ये बीट कर देता है स्पीड टेस्ट में। तो इसमें क्या है, देखिए ये सिंगल सिम है और ये वोल्टी सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, यही एक प्रॉब्लम है Honor 8 की, ये सिंगल सिम है और वोल्टी सपोर्ट नहीं करता है। इन्होंने नूगट अपडेट के बाद भी वोल्टी नहीं दिया है, बट अगर आप लेना चाहते हैं तो अगर आप
इसमें वोल्टी इंक्लूड करना चाहते हैं तो आपको फ्लैश करना पड़ेगा, अपने जो कस्टम रोम जो हुआवे फॉरम पे आपको मिल जाएगा, आप कर सकते हैं। अगर ये कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ले सकते हैं ऑन रेट। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ नोकिया 6। नोकिया 6 जो काफी अच्छा है, बट इसकी प्रोसेसर जो है उतनी पावरफुल नहीं है। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मेरे फोन लिया है तो 1-2 साल तक मैं यूज कर सकूं, तो मैं नोकिया 6 आपको नहीं लेने को बोलूंगा। मैं बोलूंगा कि आप MI11, टेनोर्जी, मोटो G5 में से आपको ले लीजिए, क्योंकि परफॉर्मेंस में आपको जो एप्स आएंगे हैवी फ्यूचर में आने वाले हैं, जो मतलब अपडेट होते रहते हैं, तो दिन प्रतिदिन वो हैवी होते जा रहे हैं, क्योंकि हैवी मोबाइल्स आते जा रही हैं। इसलिए मैं आपको नहीं बोलूंगा नोकिया 6। बट अगर आप 430 का फुल यूटिलाइज किसने किया है, तो नोकिया 6 नहीं किया है, क्योंकि आप जो भी हैवी गेम 625 या 626 पे कर सकते हैं, आप वो नोकिया 6 में बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो कैमरा में अगर मुझे बोलेंगे सबसे बेहतरीन कैमरा परफॉर्मेंस ओवरऑल सबसे अच्छा फोन कौन है इसमें, तो मैं बोलूंगा MI A1। ठीक है, लेना चाहिए। ठीक है, अगर मेरी पर्सनली अगर पसंद हो तो मैं लूंगा Honor 8। ठीक है, क्योंकि मैं कस्टम फ्लैश डाल लूंगा। बट अगर आप प्रेजेंट टाइम में सब अगर देखा जाए ओवरऑल, तो MI A1 के लिए जाइए, उससे बेस्ट आपको नहीं मिलेगा इस प्राइस सेगमेंट में, 10 से 15 हजार के बीच में। ठीक है, अगर 11 हजार का बजट है आपके पास, 11 हजार, तो टेनोलॉजी बिल्कुल जाइए, उससे अच्छा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, बट अगर मैं ओवरऑल बात करता हूँ तो MI A1 बेस्ट है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि कौन सा फोन सा आपको लेना चाहिए। ठीक है, तो जी धन्यवाद, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो। जी।